अस्सलामुअलैकुम। तो माइनक्राफ्ट को बीट करने का प्रोसेस काफी ज्यादा हार्ड है, जिसमें हमें सबसे पहले वुड माइन करनी पड़ती है, पोर्टल बना के नेदर में जाना पड़ता है, काफी ज्यादा आईओ फेंडर कलेक्ट करनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग होल्ड फाइंड करना पड़ता है और फाइनली हमें फिर एंडर ड्रैगन को डिफीट करना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर दें, क्या माइनक्राफ्ट को बीट करना आसान हो जाएगा या फिर और ज्यादा मुश्किल? तो यहाँ पर मैं एंड में आ चुका हूँ और मेरा गोल है ड्रैगन को डिफीट करके नेदर से होते हुए ओवरवर्ल्ड में जाकर एक वुड माइन करना। ओके तो गाइस फाइनली अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं और अति साथ हमारी हेल्थ भी जा चुकी है, ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले तो प्लान ये है कि एंड सिटी हमें एक्सप्लोर करनी है, ठीक है, और उधर से हमें फाइंड करनी है एक पिकेक्स, ठीक है। और भाई साहब मैं ऐसा करता हूँ, चेक कर लेता हूँ भाई एफओवी मेरा बिल्कुल फुल हुआ है या नहीं फुल हुआ है। चलो भाई ये सही है भाई, मैं इसी में खेलता हूँ, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, ये जो एंड सिटी है ना, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राइज करके काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके, ठीक है, ये कर दिया है कि इसमें ना अभी शल्कर जो है ना वो डिफीट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शल्कर थे जो अभी यहाँ पर है नहीं, ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर में है, नीचे वाले फ्लोर से गायब हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी शल्कर है ना देख सकते हो भाई, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये चेक करो भाई, ज़बा यहाँ पर शल्कर है ही नहीं, ऊपर है शल्कर, ऊपर मिल जाएंगे लेकिन नीचे वाले सारे डिफीट कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये भाई 29th ट्राई, ठीक है, और अभी तक 28 ट्राइज हो चुकी हैं लेकिन ये चैलेंज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले फूड चाहिए होगा क्योंकि हेल्थ हो गई है जी थोड़ी सी लो, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ से मैं कोर्स फूड ले लेता हूँ, एंड में यही फूड होता है हमारे पास कोर्स फूड, ठीक है। तो अभी लगातार इतनी तेज़ बोलूँ, अभी थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ। ओके भाई तो चलो अभी मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर अभी हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़े से और फूड ले लेता हूँ, ठीक है। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि एंटर मैन को ना डिफीट करके एंटर पल कलेक्ट करके फिर चलते हैं, उसके बाद हम एंटर एंड सिटी में जाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़े से कोर्स फूड, ठीक है, और यहाँ पर भी और थोड़े से कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। साथ साथ ईट भी करते रहते हैं ताकि हमारी हेल्थ भी फुल हो जाए, ठीक है, और यहाँ पर भी थोड़े से और कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके मेरे ख्याल से इतने इनफ हैं। अब ऐसा करते हैं भाई, जल्दी से हम चलते हैं यहाँ पर एक एरिया ढूंढ लेते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल सामने है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने कुछ ब्लॉक्स माइन किए हुए हैं, ठीक है, पता ही होगा ये सीवीज है ना, तो ये भी मुझे पिछली बार जो डिफीट हुआ था ना इस ये वाले मिल चुके हैं कोल्स फूड, ठीक है। तो ये मैंने पहले माइन किए थे, ठीक है, ब्लॉक्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ होगा ना, यहाँ पर एंटर मैन नहीं आ सकता तो हम इस तरह इसको डिफीट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम ना अटैक करके रन करते हैं ताकि ये हमें ना फिर चीज़ करे, ठीक है। तो देखते हैं भाई एंटरमैन कहीं पे ज़्यादा से होना, सबसे पहले तो हेल्थ फुल कर लेते हैं, ठीक है, फुल हो चुकी है। अभी हमें एंटरमैन को अटैक करके ना रन करना है, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। ये वह एविया, और अभी मैं सोच रहा हूँ कहीं ज़्यादा से एंटरमैन हो ना, वो सामने हैं, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये यहाँ पर एक एंटरमैन है ना, ये इसको हम अटैक कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट ये भी है। अबे भाई साहब ये तो भाई गुस्सा हो क्या है, एक मिनट जल्दी से चलते हैं, इसको अटैक किया, और यहाँ पर अभी हम जल्दी से चलते हैं। ओ नहीं नहीं अबे भाई साहब ये क्या हुआ, अबे यार ये क्या यार, मिस हो गया यार, ये तो थोड़ा रफर हो गया। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बिल्कुल एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो भाई यहाँ पर, ये पता है क्या है, ये चेक करो, एक मिनट थोड़ा सा पास आ जाते हैं। ये देखो भाई, ये है जी सीड, और ये भाई इसमें काउंट करो कितने ज़्यादा पिक्सल हैं, ठीक है। और ये क्या भाई, ये जी भाई ट्री के लीव्स, ठीक है। और ये मैं दिखा देता हूँ, ये क्या, ये है जी ग्रास, ठीक है। क्लोज से देखो, बिल्कुल एकदम पास से चेक करो जी, पिक्सल्स कितने सही लगते हैं, ये चेक करो, ये चेक करो भाई, बिल्कुल कितना भाई सेटिस्फाइंग, मतलब इतना भी नहीं लेकिन सही लगता है, ये चेक करो जी। ये अभी देखना, एक मिनट ये ग्रास के पास लाऊंगा एरो, ये चेक करो, ये चेक करो, बिल्कुल इसके पास चेक करो, एकदम पिक्सल से ये इसकी मतलब ये है ना, मतलब स्ट्रक्चर पिक्सल से। ये देखो जी, ये क्या है स्क्विड, ये चेक करो जी, ये क्या है सैंड, ये क्या है जी वाटर, ठीक है, समझ आ गया। और एक और चीज़ दिखा देता हूँ भाई, ये तो वह ही गया, ये दिखाओ, ये देखो जी, ये क्या जी, ये है जी वुड, कौन सी जंगल वाली मेरे ख्याल से, ठीक है। एक और भी रह गया भाई, ये कौन सी है वुड, ओक वुड, ठीक है। ये इस तरह चेक करो जी, कितना सही लग रहा है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है जी कि ये क्या है बैम्बू, ये क्या है जी डर्ट, ये क्या है जी स्टोन, ये क्या है जी कॉपर।